हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको वापस वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइफलाइन पे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, ठीक है ना। अब इस वीडियो के अंदर मैंने जो ये टॉपिक है क्लास 12th के लिए क्वाइट रेलेवेंट है, और इस टॉपिक को मैं कोई अकाउंटिंग एंगल से नहीं समझाऊंगा तुमको, ठीक है ना। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगा जिसको आप इमेजिन करोगे तो यू वुड बी फाइंड दैट हां ये बिल्कुल ट्रू है रियल लाइफ के अंदर। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको लगे ये वीडियो आपको क्वाइट यूजफुल लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक द चैनल, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं फोरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर की, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। अपन एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझते हैं तो मैं आपको होप करता हूं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अज्यूम करो मेरी क्लास 12th है, ठीक है ना। मैं क्लास 12th के अंदर पढ़ा रहा हूं और मेरे पास पांच स्टूडेंट्स हैं। पांच स्टूडेंट्स का नाम है ए बी सी डी और ई, ये पांच बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं क्लास 12th पढ़ाता हूं और पांच बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं ए बी सी डी ई। अकाउंटिंग बात नहीं कर रहा हूं, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब एक नॉर्मल एग्जांपल समझते हैं। अब मैंने ये बोला कि जो टोटल फी है उन पांचों बच्चों की, टोटल मतलब पर स्टूडेंट की जो फी है वो 10,000 की फीस है। आप भी कहीं कोचिंग जाते होंगे, आपको पता है हम जहां पढ़ते हैं वहां पे अपनी फीस है वो इंस्टॉलमेंट पे होती है। तो मेरी क्लास में पांच बच्चे थे, मैंने इनका फोटो भी बना दिया ए बी सी डी ई। ये दोनों थोड़े खूंखार बच्चे हैं, ये एक नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है ना। अब मैंने ये सोचा कि इनकी जो टोटल मैं फी रखूंगा वो एक बच्चे से 10,000 रुपए की फीस में कलेक्ट करूंगा, ठीक है ना। अब अगर एक बच्चे से 10,000 की फीस लेता हूं तो मैंने इनको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम लोग जब फीस देते हैं बड़ा अमाउंट होता है तो इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं हम, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनको बोला कि जब तुम पहले दिन आओगे मेरे पास तब 3,000 रुपए जमा कराने, 2 महीने के बाद तुमको 6,000 रुपए जमा कराने और आखिरी इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपए की है। मतलब मैंने इनको फी का ब्रेकअप इस तरह दिया कि पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 3,000 की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 6,000 की है और तीसरी इंस्टॉलमेंट 1,000 की है, ठीक है ना। अब उस इंस्टॉलमेंट को मैंने नाम दे दिया कि पहली इंस्टॉलमेंट को मैं एप्लीकेशन नाम से दे रहा हूं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को मैं अलॉटमेंट बोल रहा हूं, तीसरी इंस्टॉलमेंट को कॉल बोल रहा हूं, जो तुम लोग डिस्कस करते ही हो। मैं फिर बोल रहा हूं कोई अकाउंटिंग डिस्कस नहीं करे, रूटीन एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब आप समझो जो ये बच्चों की टोटल फी थी, इनने क्या किया, सारे बच्चों ने ए बी सी डी ई पांचों बच्चों ने क्या किया, हमको पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, ठीक है ना। अब अगर पांचों बच्चों ने मेरे को पहली इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपए तो सब बच्चों ने दे दिए हमको, ठीक है। अब आप बताओ अगर 3,000 रुपए मेरे को हर बच्चे ने दे दिए तो पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन का तो पैसा आ गया मेरे पास में। अब हुआ क्या, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट किस किस ने कर दिया, ए बी सी ने पेमेंट कर दिया, किस किस ने नहीं करा, डी और ई ने पेमेंट नहीं किया। ध्यान से समझना मेरी बात, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट 3,000 इन पांचों बच्चों ने दे दी है, दूसरी और तीसरी इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट और कॉल वाली जो इंस्टॉलमेंट है वो ए बी सी, मतलब इन तीनों ने तो दे दिया लेकिन इन दोनों ने वो पैसा नहीं दिया है। अब आप बताओ अगर उनने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं कलेक्शन की कोशिश करूंगा ना, ऑब्वियसली बातें करेंगे हम लोग कलेक्शन की कोशिश। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, देखो भैया बी, देखो भैया डी और ई, मेरा पैसा लौटा दो मेरे को, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे को पैसा दे दो। मैंने बहुत कोशिश करी, उनने पैसा नहीं दिया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मैंने मांगी तब उनने पैसा नहीं दिया, इन तीनों ने दे दिया मेरे को पैसा। डी मेरे क्लासेस में आता रहा, मैंने कहा ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की कलेक्शन की, पैसा नहीं दिया दोनों ने। तीसरी इंस्टॉलमेंट का टाइम आया, 1,000 रुपए मंगवाए मैंने, जिसको हम कॉल कहते हैं, ए ने दे दिया, बी ने दे दिया, सी ने दे दिया, अब डी और ई ने वापस नहीं दिया। मैंने वापस कोशिश की, डी को बोला भैया तुम्हारी पुरानी इंस्टॉलमेंट भी बाकी है और ये वाली बाकी है। ये मैंने ई को बोला कि यार तुम्हारी पुरानी इंस्टॉलमेंट बाकी और ये वाली इंस्टॉलमेंट भी बाकी है। तो दोनों ने क्या किया, मेरे को लास्ट की दो इंस्टॉलमेंट नहीं दी, और पढ़ने आते हैं मेरे रेगुलर, ठीक है ना। अब बताओ मैं क्या करूंगा। मैंने कुछ दिन तो उनको रोज चेस किया, भैया मेरा पैसा लौटा दो, पैसा लौटा दो, वो नहीं दे रहे मेरे को, ठीक है ना। अब मेरे को एंड में लगा यार ये पैसा नहीं दे रहे, एक काम करो इन दोनों को बोल दो, एक फाइनल नोटिस दे दो। मैंने बोला देखो डी और ई तुम सुन लो, अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुम दोनों को क्लास के कल से अलाउ नहीं करूंगा। मैंने क्या बोला डी और ई को कि देखो तुम सुन लो, अगर तुमने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं तुमको कल से अलाउ नहीं करूंगा। तो डी और ई ने मेरे को कल भी आए पढ़ने और उन्होंने कल भी पैसा लेकर नहीं आए। तो मैंने उनको बोला भैया माफ करो, मेरे को नहीं पढ़ाना तुम लोगों को और तुम लोग मेरी क्लास को छोड़ के चले जाओ। अब आप मेरी बात समझना, मैंने क्या हुआ, सिचुएशन क्या आई, ए बी सी ने मेरे को सारा का सारा ड्यूज पे कर दिया, जितना था ए बी सी ने बिल्कुल ईमानदारी से पैसा दे दिया, लेकिन डी और ई ने क्या नहीं किया, मेरे को सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करा। इसलिए मेरे को उनको बोलना पड़ा भैया तुम मेरी क्लास को छोड़ के चले जाओ। अब आप जब किसी भी स्टूडेंट को बाहर निकालते हो तो वो कहलाता है मैंने उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। कंपनी के अंदर जब भी कोई शेयर होल्डर अपने को पैसा नहीं देता है तो हम उसको कहते हैं फॉरफिट करना। फॉरफिट करना मतलब वही एग्जांपल है, मैंने डी और ई को जब बाहर निकाला ऐसे कंपनी क्या करती है उनके शेयर को कैंसिल कर देती है। फॉरफिट करना मतलब बाहर निकाल दिया, और बाहर क्यों निकाला मैंने डी और ई को,
उन्होंने पैसा नहीं दिया मेरा। अब अगर मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे कि कितना कितना पेमेंट नहीं किया डी और ई ने, तो डी और ई ने क्या नहीं दिया, एक तो मेरे को सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया डी और ई ने, और एक क्या नहीं दिया मेरे को, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। तो मैंने लिखा अमाउंट नॉट पेड बाय डी एंड ई, सेकंड बोथ डी एंड ई ने नहीं दिया। सेकंड इंस्टॉलमेंट थी कितने की, 6000 रुपए की, तो मैंने कर दिया 6+6, मतलब टोटल अमाउंट कितना नहीं आया मेरे पास, 12000 रुपए नहीं आया। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 1000 की, जिसका नाम क्या था, कॉल, तो तीनों दोनों ने नहीं दी डी और ई ने, तो 2000 रुपए, तो 1000+1000 ये भी नहीं आया। मतलब मेरे पास देखा जाए तो टोटल मिला करके 14000 रुपए डी और ई के नहीं आए हैं, ठीक है ना, 14000 रुपए मेरे को रिसीव नहीं हुए। अब डी और ई ने मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, वो बोलते ठीक है सर हम तो छोड़ के जा रहे हैं, आपने हमको निकाल दिया हम छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन डी और ई कहते हैं हमने कुछ पैसा तो दिया है ना आपको। मैंने कौन सा पैसा दिया, डी और ई कहते हैं हमने आपको कुछ पैसा दिया है, मैंने कौन सा पैसा दिया, तो डी और ई कहते हैं हमने आपको पहली स्टेज पे एप्लीकेशन तो दे दिया 3 और 3 6000 रुपए, तो डी और ई कहते हैं ठीक है हम छोड़ के जा रहे हैं, काम करो वो पैसा हमको दोबारा दे दो हमारा, क्योंकि आप हमको निकाल रहे हो। तो डी और ई मेरे को दोनों मिलकर कहते हैं आप एक काम करो, हमने जो पहली इंस्टॉलमेंट पैसा दिया था ना आपको 3 और 3 6000 रुपए, वो हमको रिफंड कर दो आप। अब मैं कहता हूं भैया वो रिफंड क्यों करूंगा, मैं क्यों रिफंड करूंगा, जब मैंने पढ़ाया मैं तो रिफंड नहीं करता। तो मैंने क्या बोला कि टोटल अमाउंट पेड बाय डी एंड ई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोनों ने दे दी मेरे को कितना, 3 और 3 मिला के 6000 रुपए दे दिया। अब लेकिन ये मेरे को अमाउंट आ तो गया, लेकिन मैं डी और ई को रिफंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने क्या बोला वो पैसा उन्हें दे दिया। अब ऑब्वियसली बात है आप अगर कहीं पढ़ने जाते हो और अगर आप कुछ टाइम पढ़ लेते हो और उसके बाद आप सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं देते हो, तो जो आपने पे करा वो थोड़ा रिफंड करेगा सामने वाला। तो वही केस कंपनी के अंदर भी होता है, जब मैं बात कर रहा हूं वो पैसा जो डी और ई ने मेरे को दे दिया मैं वो तो रिफंड करूंगा नहीं, और वो कितना टोटल पैसा है 6000 रुपए 3+3। तो अब मैं जो बोल रहा हूं ये 6000 रुपए जो कंपनी ने रिसीव कर लिए और इनको फॉरफिट इसलिए किया क्योंकि इन्होंने आगे की इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट पेड बट नॉट टू बी रिफंडेड। वो पैसा जो हमको आ तो गया, उन्होंने पे तो कर दिया, लेकिन हमको वापस रिफंड नहीं करना है। और हमेशा ध्यान रखना जो आपका शेयर फॉरफिट अकाउंट होता है उसके अंदर वही अमाउंट होता है जो हमको अमाउंट रिसीव हो गया लेकिन हमको वापस रिफंड नहीं करना है। तो अब देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं कि जो अमाउंट डी और ई ने पे कर दिया 6000 रुपए रिफंड नहीं करना था, इसको हम लोग शेयर फॉरफीचर भी कहते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं इस चीज पे फोकस करवाता हूं, एक बार आप देखना इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। एंट्री कहीं रटने वाली एंट्री नहीं है, बहुत सिंपल एंट्री है, ठीक है ना। कैपिटल को हमने डेबिट किया, कैपिटल को डेबिट किया, आप लोगों ने पहले बेसिक एंट्री पढ़ी होगी, जब भी हम लोग इशू करते हैं तब बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल करते हैं, बैंक टू अलॉटमेंट करते हैं, तो वो कैपिटल जो मंगवा चुके उसको हमने दोबारा कैंसिल किया। यहां देखो आप कैपिटल को हमने डेबिट किया हुआ है, नॉर्मली कैपिटल को क्रिएट करते हो क्रेडिट करते हैं, हमने कैपिटल कैंसिल किया। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था मेरे को, मैंने बता रखा था दो लोगों ने नहीं दिया था डी और ई ने, तो इनको मैंने वापस कैंसिल कर दिया। तो दो लोगों ने पैसा नहीं दिया, मैंने उनकी कैपिटल को पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया। मैंने कहा भैया तुम पूरे के पूरे बाहर निकल जाओ। अब मेरे को एक बात बताओ, फॉरफिट में जो पैसा मेरे पास आ चुका था लेकिन मेरे को रिफंड नहीं करना था, एंट्री का लॉजिक समझना, कैपिटल कैंसिल किया, मैंने कहा भैया तुम छोड़ के जाओ हमको। अब जो पैसा मेरे को इन्हें दे चुके थे लेकिन मैं वापस रिफंड क्यों करूं, क्योंकि वो तो मेरा पैसा है, तो वो पैसा जो है मेरे को एप्लीकेशन पे दे चुके हैं वो 6000 रुपए, वो 3+3 से एंट्री करी। अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा बाकी है जो मेरे को नहीं आया, तो ऑब्वियसली बात है अलॉटमेंट पे मैंने आपको पहले ही बताया था सेकंड इंस्टॉलमेंट दोनों की ड्यू थी डी और ई की, दैट वाज 12000, तो 6+6 इतना नहीं आया था मेरे को, तो ये 12000 रुपए था, ये मैंने यहां पर लिखा 12000। और फिर कॉल में कितना पैसा नहीं आया था दोनों का, तो मैंने वो कॉल इन अरियर लिख दिया 2000 रुपए, ठीक है ना। मतलब मेरे को सिंपल सा लॉजिक है, शेयर कैपिटल को मैंने कैंसिल किया, फॉरफिट में जो अमाउंट आ गया रिफंड नहीं करना वो बताया, अलॉटमेंट पे जितना बाकी था वो एंट्री करी, और टू कॉल इन अरियर जितना कॉल पे पैसा नहीं आया था। अब बंद करो। तो अब यहां तक तो सबको समझ आ गया फॉरफीचर की एंट्री क्या है। अब अगेन एक कहानी के बना के समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। मेरी क्लास में मैंने कितने बच्चों को निकाला था, 2 बच्चों को निकाला। अब बताओ मेरे पास टोटल कितनी सीट अवेलेबल थी, 5 सीट अवेलेबल थी। अब अगर 2 बच्चों को निकाल दिया तो मेरे पास ये 2 सीट तो वेकेंट हो गई भाई। अब डी और ई मेरी क्लास का हिस्सा नहीं है ना, तो ये 2 सीट तो मेरे पास वेकेंट हो गई है, ठीक है ना। अब आप बताओ अगर ये 2 सीट मेरे पास वेकेंट हो गई तो मैं कोशिश करूंगा ना इसको वापस किसी को बेचूं भाई। अगर एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या सोचेगा कि मेरे पास 5 सीट अवेलेबल थी, 3 लोगों ने पूरी फीस दे दी और 2 लोग
लोगों ने मैंने निकाल दिया, तो अब मेरे पास दो सीट वापस अवेलेबल है। तो मैंने ये सोचा यार दो बच्चे निकल गए, उनका पैसा तो कहीं से भेज दूं, कहीं से पैसा तो आ जाए मेरे पास। अब मैंने क्या किया, मार्केट में कोशिश किया, मैंने कहा यार एक काम करता हूं, ये दो सीट को बेचने की कोशिश करता हूं मैं। तो मैं दो सीट को जब बेचने गया तो मान लो मेरे को एक नया आदमी मिला, मजूर करो मिस्टर एफ मिला था मेरे को, और एफ मिला और एक मान लो जी मिला। तो अब मेरे को जब एफ और जी मिला ना, तो मैंने एफ और जी को ये बोला देखो मेरे पास में दो सीट अवेलेबल है, आपको लेना हो तो ले लो। अब एफ और जी ये बोलते हैं क्योंकि यार आप एफ और जी को ही पता है कि सेशन ऑलरेडी 5 से 6 महीने चल चुका है। अब मैं अगर एफ और जी को ये बोलूं कि यार मैं 10,000 की 10,000 दूंगा तो एक बार तो हो सकता है एफ और जी नहीं माने, और अगर मेरे को लगता है नहीं मेरी डिमांड बहुत अच्छी है, मार्केट में लोग खड़े हैं, तो हो सकता है मैं 10 की चीज 12 में भी निकाल दूं, और मेरे को लगता है नहीं डिमांड शॉर्ट है और मेरे को तो एक बार बेचना है, तो मैंने एफ और जी को बोला देखो मेरे पास में दो सीट अवेलेबल है, आपको अगर लेना है तो बोलो। अब एफ और जी ऑब्वियसली बात है मुझको बोलते हैं ये बताओ कितने में दोगे आप। मैंने कहा यार अब ये मेरे को पता है कि ये दो सीट पे पहले ही मेरे को 6,000 रुपए आ चुके हैं, लेकिन एफ और जी को थोड़ी ना पता था। तो मैंने बोला एक काम करो दोनों सीट का मिला के मेरे को पता है 10 × 2 20,000 रुपए की सीट थी दोनों। मैंने कहा काम करो दोनों सीट का मिलाकर मेरे को 18,000 रुपए दे दो। अब एफ और जी कहते हैं नहीं आपका सेशन इतना टाइम चल चुका है, हम आपको 18,000 नहीं देंगे। एफ और जी कहते हैं काम करो फाइनल रेट इसको 17,000 में हमको दोनों सीट दे दो। अब आप एक बात बताओ मेरे लिए तो फायदे का सौदा हुआ ना, क्योंकि दो सीट पे मेरे को एफ और जी 17,000 रुपए दे रहे हैं और पहले डी और ई कितने दे चुके थे मेरे को 6,000 रुपए, मतलब उन सीट पे आने मेरे को 20,000 थे लेकिन आ कितने गए मेरे को 23,000 रुपए, तो 3,000 का मेरे को फायदा हुआ। अच्छा अब एक बात और समझना, एफ और जी अगर मेरे से नेगोशिएट कराते हैं, मेरे को बोलते हैं यार आप 16 में दे दो, मैंने कहा मैं 16 में देने को तैयार हो गया मैं। अब आप एक बात बताओ मेरे को अगर वो बोलते हैं 16 में दो 15 में दो 14, मैं 14 से नीचे दे नहीं सकता हूं ना, क्योंकि 14 से नीचे इसलिए नहीं दे सकता हूं मेरे को दो सीट के मिनिमम 20 तो चाहिए ना। तो जब डी और ई ने मेरे को 6,000 रुपए दे दिए तो मैं मैक्सिमम कितना डिस्काउंट अलाउ कर सकता हूं एफ और जी को, 600 ऊपर तो दे नहीं सकता हूं। तो मैं अगर एफ और जी से 17,000 की डील करता हूं या 16 की करता हूं या 15 की भी करता हूं या मैं 14 की भी करूं तो 14 पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, बट 14 से नीचे मैं नहीं कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जब रीइशू करते हो ना तो रीइशू पे आप मैक्सिमम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपको पहले रिसीव हो चुका था। अब मेरे को एक बात बताओ अगर मैं रीइशू की एंट्री की बात करूं तो बहुत सिंपल लॉजिक एंट्री है, मेरे पास एफ और जी ने मेरे को दिया कितना पैसा, हमने अभी डिसाइड किया 17,000 रुपए दिया उनने, कितने की सीट दे दी मैंने दोनों को मिला के 20,000 रुपए की सीट दे दी, मैंने डिस्काउंट कितने का दिया मैंने 3,000 का डिस्काउंट दिया। अब ये ध्यान रखना ये जो 3,000 का डिस्काउंट है शेयर फॉरफिट से ही चार्ज करोगे। क्यों शेयर फॉरफिट से चार्ज करोगे, क्योंकि जब वो पैसा दिया उनने 6,000 वो भी तो शेयर फॉरफिट में पड़ा हुआ है, तो इसलिए जब हम 6,000 रुपए शेयर फॉरफिट में डाल रहे हैं तो 3,000 का डिस्काउंट शेयर फॉरफिट से ही चार्ज किया हमने। तो अब आप बताओ 6 मेरे पास आए थे 3 का डिस्काउंट दिया, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा 3 का, वो आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहो नहीं तो एक और तरीका समझ लो, 17,000 में बिकी 6,000 पहले दे चुके थे टोटल 23,000 रुपए आए, आने कितने थे 20,000 रुपए, मतलब 3,000 का प्रॉफिट बचा। तो आप इसमें इसको माइनस करो आपका नेट प्रॉफिट 3,000 आ रहा है, तो वो जो नेट प्रॉफिट है हमने बुकिंग ऑफ प्रॉफिट पे शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व एंट्री पुट अप कर दी। तो जब मैंने एंट्री करी शेयर फॉरफिट टू कैपिटल रिजर्व, अब आप बताओ ये एंट्री 3,000 से होगी, 6,000 क्रेडिट था 3,000 डेबिट हुआ 3,000 क्रेडिट बचा, मैंने 3,000 का डेबिट ऑल डाल दिया, मतलब शेयर फॉरफिट में बैलेंस 0 हो गया और फाइनल मेरा प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में बुक हो गया, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना अगर आपने जितने शेयर फॉरफिट किए उनको जब आप रीइशू करोगे तभी प्रॉफिट बुक करोगे। अगर आप एक बात बताओ मेरे दो सीट मैंने दो बच्चों को बाहर निकाल दिया और अगर दो बच्चे मेरे को मिले ही नहीं नए तो मैं प्रॉफिट तो बुक ही नहीं कर सकता हूं ना, तो वो पैसा कहां चलेगा, हमेशा शेयर फॉरफिट के अंदर ही चलेगा, ठीक है ना। तो ये गाइस एक पूरा कांसेप्ट था शेयर फॉरफिट का और रीइशू ऑफ शेयर्स का, ठीक है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स।